आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल फिश टिक्का, कासुंदी फिश टिक्का। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे फिश के पीसेस और इसमें हम डाल रहे हैं हंग कर्ड, और अब इसमें डाला है ग्रेटेड यानी कद्दूकस किया हुआ लहसुन और अदरक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला के बाद हम ऐड कर रहे हैं एवरेस्ट का चाट मसाला और अजवाइन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में रगड़ के इसे ऐड कर लीजिए। इससे बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने डाला इसमें नमक, और बेसन। तो यहाँ 1 टेबलस्पून जितना बेसन लिया है हमने। अब हम इसमें डाल रहे हैं मस्टर्ड यानी सरसों का तेल, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट या मेन इंग्रेडिएंट कह सकते हैं कासुंदी का पेस्ट। ये आप घर में भी बना सकते हैं, रेडीमेड भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं नींबू, थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश की थी मैंने, और ग्रीन चिली पेस्ट और हरा धनिया। बस अब इसे अच्छे से इससे फिश की मसाज कर लेनी है और फिश को मैरिनेट होने के लिए रख देना है। यहाँ गरम तेल में मैंने हल्दी ले लिया है और इससे हम बना रहे हैं टर्मरिक ऑयल, हल्दी का ऑयल। ये डालने से इसमें अच्छा सा कलर आ जाता है, जो फिश टिक्का का येलो कलर होता है वो इसी चीज़ से आता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, तो ये मिस मत कीजिएगा। डायरेक्टली हल्दी डालने से ऐसा टेस्ट नहीं आता है, ऐसा फ्लेवर या कलर हम कह सकते हैं नहीं आता। अब सरसों के तेल में हमें इस फिश टिक्का को फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई। आप चाहे तो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास तंदूर है तो आप ग्रिल कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे इस तरीके से फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। याद रहे इसके लिए आपको मस्टर्ड ऑयल ही लेना है। अब ये बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही अमेजिंग स्मेल आ रही है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अब हम इस पर डाल रहे हैं चाट मसाला। गार्निश करने के लिए हम इस पर डालेंगे कोरिएंडर यानी धनिया और बहुत सारा नींबू का रस। तो तैयार है फिश टिक्का, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल कासुंदी फिश टिक्का। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो YouTube पे हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।